इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पिछले साल से अंजुमन इस्लाम में हमने ऑक्सीजन मरीजों के लिए देना चालू किया। पिछले एक दो तीन महीने से रिक्वायरमेंट उतना नहीं था, लेकिन लास्ट 15-20 रोज से देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट्स और बढ़ चुके हैं। और जो काम हमने पिछले साल चालू किया था अभी भी जारी रखा है। हमारी पूरी टीम अंजुमन की, मेडिकल टीम है, बरियल टीम है, सब मिलके लोगों की मदद के लिए काम आ रहे हैं। मेरी सभी से एक ही दरख्वास्त है कि अपने तबीयत का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का तबीयत का ध्यान रखिए। जो जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है प्रोटोकॉल्स मेंटेन कीजिए, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, जो ज़रूरी चीज़ है वो करना लाजमी है। और साथ ही साथ और एक दरख्वास्त है सबसे, वैक्सीन स्टार्ट है, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीनेशन कर लीजिए आप। रिक्वायरमेंट और सप्लाई ऑक्सीजन का, जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के कई सारे मरीज मौत के घाट भी उतर रहे हैं, अपनों को खोने का दर्द सभी को है। तो अंजुमन जिस तरह से करिए, पिछले साल भी की थे हमने देखा था, इस साल भी शुरू किया है, तो क्या रिक्वायरमेंट और सप्लाई में कितना फ़र्क है सर? ज़्यादा तो फ़र्क नहीं था, लेकिन ये चार रोज से हमारे जो वेंकटेश पाटिल साहब है बेलगाम ऑक्सीजन के, जो हमें ऑक्सीजन देते आ रहे हैं, रिफ़िल करते आ रहे हैं, फ्री में करते आ रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है उनकी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि फ़ायदा मेरा कितना होगा या नुकसान कितना होगा। हम सब पूरे बेलगाम के सभी रहवासी उनके शुक्रगुजार हैं। चार रोज पहले बेलगाम ऑक्सीजन को, जो कोल्हापुर ऑक्सीजन से आता था, वो ऑक्सीजन आना बंद हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन, तो वो रिफ़िल नहीं कर सके। अब उन्होंने कोशिश करके बल्लारी से ऑक्सीजन ले आ रहे हैं लिक्विड, तो कल से पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है और एक दो दिन में डिमांड और सप्लाई मैच हो जाने की उम्मीद है। सर, हर रोज़ कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, कितने की सिलेंडर्स वगैरह? अभी हमारे पास फ़िलहाल में जैसे आ रहा है दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 70-80 लोगों की वेटिंग लिस्ट चालू है। जैसे आता है हम उनको टोकन दे रहे हैं, फिर उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं या उनके घर पहुंचा देते हैं। ये हमारी कोशिश रही कि जल्द से जल्द उनको ऑक्सीजन घर पे पहुंच जाए। तकरीबन दो दिन से ऑक्सीजन की कमी के वजह से बहुत डेथ रेट बढ़ गया है। रोज़ाना 10-12 24 घंटे के अंदर 20-22 से मौता हो गए हैं। और तकरीबन रात और दिन हमारे बच्चे पूरे मेहनत कर रहे हैं, और बरेल टीम, ऑक्सीजन टीम और हम राजू सेठ के निगरानी में जो काम कर रहे हैं, सभी बच्चे हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले साल को और इस साल को क्या फ़र्क, कितना महसूस कर रहे हैं फ़र्क? पिछले साल आपने देखा होगा कि 80,000 से लाख तक हमारे वतन में पॉजिटिव रेट क्रॉस नहीं किया था। अभी आज का फिगर जो आया है, कल जो आए, 4,16,000 पॉजिटिव केसेस हुए हैं, तो ये 4 times 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है फैलना। कर्नाटक हमारे स्टेट में कल का फिगर है 52,000, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट इसमें नाकाम नज़र आ रही है कहीं पर जो है, हालांकि एक साल था हमारे पास, उसके बावजूद भी वो जिस तरह से बेड हो या तो फिर ऑक्सीजन का मामला हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, इसमें जिस तरह से काम तेज़ी से करना चाहिए नहीं कर पाई। क्या आप ये हुकूमत की लापरवाही या तो गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं मानते क्या? मैं ज़रूर कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्डअप करना चाहिए था, पिछला एक साल तक का टाइम था हमारे पास, हमारे वतन में, लेकिन आप देखेंगे तो कहाँ
ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं हुए, नए बेड्स नहीं तैयार हुए और डॉक्टर्स तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 बेड है और 100 पेशेंट्स हैं तो वो भी बेचारे कितना करके मेहनत करेंगे और कितना करके कामयाब होंगे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहिए। अब बात चलिए सेकेंड फेज़ की, तो अब थर्ड फेज़ की बात चल रही है और थर्ड फेज़ में कितना वेरिएशन आएगा और कितनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी अभी भी हमें नहीं पता। तो हमारी सरकार को ये ज़रूरी है कि हर फेज़ के पहले अपनी तैयारी ज़रूर रखें, ना कि वेट करें कि कल हो आएगा परसों आएगा, हम आज से ही तैयार रहना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी कि जो मोदी साहब ने एक मंत्र दिया था कि देश के आवाम को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कि हमारा ऑक्सीजन हम ही तैयार करके इसको बना लें। क्योंकि अब जैसे कि तीसरे फेज़ की बात की जा रही है, थर्ड वेव की बात की जा रही है सर, जिस तरह से डेथ रेट भी बढ़ रहा है, तो थर्ड अगर वेव आती है तो इसमें सर्वाइव कैसा हो पाएंगे? क्योंकि अब दूसरे वेव में ही हम सर्वाइव नहीं हो पा रहे। तो क्या वाकई जो मोदी साहब ने जो आत्मनिर्भर का एक जो मंत्र दिया था, क्या उसी पर अमल करना होगा? क्या कहेंगे आप? आत्मनिर्भर की आप बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का है बात है जी, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बाहर से क्यों लाना पड़ा है कि हम लॉजिस्टिकली तैयार नहीं थे जी। ना तो हमारे पास सिलेंडर्स थे, ना तो हम टैंकर्स थे जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, एयरलिफ्ट की भी तो बात की गई थी, क्यों नहीं एयरलिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतने टैंकर्स नहीं थे। अगर टैंकर्स हमें कोशिश करके तैयार की कर दिए होते तो जहाँ पे एक लगता है और दो टैंकर्स रहते थे, तो एक जाता रहता और एक आता रहता था। एयरलिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, एक प्लानिंग की ज़रूरत थी जी। हम प्लानिंग करना चाहिए कि कितने स्टेट में कितना कहाँ लग रहा है, कौन से एरिया में लग रहा है, कहाँ इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे राज्य सेठ साहब, इनकी हिम्मत के ऊपर जो है आज हमें इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आज मेरे को आंखों में आंसू आ रहा है क्योंकि हमने पहले पॉजिटिव वार्ड में कभी जाते नहीं थे। मैं जाके जब पॉजिटिव वार्ड में देखता हूँ ऑक्सीजन की कमी ऐसा हो रही है कि वेंटिलेटर का बेड नहीं मिल रहा है उनको। ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसको टेम्परेचर नहीं रहता और वो इतनी तकलीफ हो रही है, उसको हाई फ्लू होना रहता है, वो तड़प तड़प के हमारे सामने मर रहा है। कम से कम मेरे सामने तो एक 50-60 पेशेंट डेथ हुआ है और यहाँ लाके मैं यहाँ हमारे अंजुमन को मैं लाके डेड बॉडी जो है ने इनको हैंड ओवर किया हूँ। और कल का भी वाकया है, हमने 15 पेशेंट जो है सिविल हॉस्पिटल एडमिट कराए, उनको वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से 5 लोगों की डेथ हुई। अगर वेंटिलेटर अगर उनको मिलता था तो इंशाल्लाह वो 5 लोग भी हमारे बचते थे। हमारे जो पेशेंट जा रहे हैं पूरा बैड होके जा रहे हैं, बैड बोले तो पूरा लंग्स को जितना भी पूरा बात कर लेके जा रहे हैं। डॉक्टर हमको वही बोल रहा है कि आपके जो पेशेंट जो भी आ रहे हैं पूरा ऑक्सीजन लेवल जो डाउन होने के बाद आ रहे हैं, तो हमको इम्प्रूवमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो आईसीयू की ज़रूरत रहती है, आईसीयू मिलता नहीं है। प्राइवेट की भी हालत ये है, तो उन्हें ऑक्सीजन लगा के रखते हैं, वो जब तक देश सामने वाला वो नहीं होता उनको बेड अरेंजमेंट करके देते नहीं हो, तो वो हिसाब से भी डेथ हो रहा है। आज जो अंजुमन के थ्रू से जो काम चल रहा है हमारे राजू शेठ के निगरानी में, एक बहुत बड़ा काम है जो पिछले साल भी हुआ था। हम लोग सोचे थे कि काम ख़त्म हो गया, वापस सेकेंड वेव आ गया है और एक 1.5 महीने से वापस अंजुमन की टीम, बरियल टीम है, ऑक्सीजन की टीम है, मेडिकल लाइन की टीम है, हमारा स्टाफ है और हमारे मीडिया वाले भी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है, जैसा राजू शेठ साहब बोले आपको भुखा रहे, बदन दर्द हुआ, डॉक्टर के साथ रब्ता कायम कीजिए, क्योंकि एक 4-8 दिन छोड़ने के बाद लंग्स जैसा भी हमारे खदर भी बता रहे हैं तो कवर होते जाते हैं, बाद में इलाज होना मुश्किल होता है। अगर पहला हम लोग डॉक्टर से रब्ता कायम करेंगे तो ऑक्सीजन भी काम करेगी, दवा भी काम करेगी, इंशाल्लाह पेशेंट्स और डेथ रेशियो कम हो जाएगा।